हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप सभी की दुआ से। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे सुमन शाम मेकओवर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं गई थी अपने गांव, मेरे देवर की शादी थी और मैंने आपको कहा था कि मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगी। तो मुझसे जितना हो पाया मैंने उतना क्लिप लिया है वीडियो। वैसे तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है, ये मेरी सारी बेटी और मेरे हस्बैंड ही शूट कर रहे थे जितना उनसे हो पा रहा था। तो स्टार्टिंग पहले देवता पूजा से होती है, तो उसमें जो घर के देवता होते हैं कुल देवता, उनकी पूजा की जाती है। तो वही हो रहा है, तो सारा विधि तो मुझे और इन्हें करना था, इसलिए मैं कर रही थी देवता पूजा। और यहाँ पर सिंदूर लगा रहे हैं, मुझे सारा पूजा हो चुका था, अब यहाँ सिंदूर लगाने की बारी थी, तो वही लगा रहे थे। 5 औरतें जो होती हैं स्वागत, उनको लगाना होता है, तो पहले मुझे लगाएंगे, उसके बाद मैं 5 औरतों को लगाऊंगी। तो आप वीडियो पे बने रहिए, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, स्किप मत करिएगा। तो अब बारी हल्दी लगने की, तो इनको यहाँ हल्दी लग रहा है और हम सब मज़े कर रहे थे बहुत ज़्यादा और उनको हल्दी लगा रहे थे। तो यहाँ बहुत हंसी मजाक चल रही थी और बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत ही ज़्यादा हम मस्ती किए। तो वीडियो में बने रहिए, आगे का मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारे नंदोसी जी, इनको अच्छे से हल्दी लगा रही थी भाभी और खूब मस्ती की। और ये है भतीजा जो जिसको, उसके भी हल्दी लग रहा था क्योंकि उसको सवाली बनना था। और यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की पूजा स्टार्ट हो गई है जो ये बैठ कर करे थे। तो यहाँ स्टार्ट हो गया चुमाने की बारी, जो 5 औरतें जो होती है स्वागन, वो सबसे पहले चुमाती है, तो वही हो रहा था। उसके बाद सब चुमा रहे थे धीरे धीरे। तो आप वीडियो पे बने रहिए और भी बाकी का मैं आपको दिखाऊंगी। Thank you.
तो अब हम निकल पड़े हैं पूजा मटकोर के लिए, जहाँ मिट्टी खनाएगा और वहाँ पूजा की जाएगी। तो हम उसी के लिए निकल रहे हैं। आप तो यहाँ पर किया जाएगा मटकोर पूजा, इसलिए हम यहाँ पर आकर बैठ गए हैं और मैंने स्टार्ट भी कर दिया है। पहले मैंने अर्घ दिया, उसके बाद वो जैसे जैसे मुझे बता रहे थे वहाँ उस सब पे मैं अर्घ दे रही थी और पान पत्ता फूल चना वो सब कुछ मैं चढ़ा रही थी जैसे जैसे मुझे बताया जा रहा था, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी किया नहीं है तो मुझे कुछ पता नहीं था। मेरी सासू माँ मुझे जैसे बता रही थी मैं वैसे वैसे करते जा रही थी। यही मेरी जो मुझे बता रही है ये मेरी छोटी सासू माँ है, तो वही मुझे सब कुछ बताई है कैसे क्या पूजा करना है नहीं करना है, तो वही मैं कर रही थी। तो मैंने यहाँ पान पत्ता चढ़ा दिया है, अब मिट्टी रख रही हूँ। उसके बाद मैंने तेल चढ़ाया, फिर सिंदूर लगाया, उसके बाद मैंने चना चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाई, उसके बाद बाकी की विधि स्टार्ट हुई। तब आप वीडियो पे बने रहिए, आपको सब कुछ धीरे धीरे सब देखने को मिलेगा। तो हमने सारा पूजा ख़त्म कर लिया है, ऑलमोस्ट हमारे यहाँ का पूजा ख़त्म हो गया है। अब हम जा रहे हैं घर के लिए, निकल रहे हैं। वहाँ हमको धान कूटने की विधि है, तो वहाँ जाकर हम सभी औरतें जो हैं वो मिलकर धान कूटेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा।
तो यहाँ स्टार्ट हो चुका है धान कूटना। जैसे मैंने आपसे कहा था कि धान कूटने की विधि है, तो यहाँ वही हो रही है। और यहाँ पर हमने काफ़ी सारी मस्ती की थी, क्योंकि वो एकदम बैलेंस बिगड़ रहा था, बहुत सारे लोग हो गए थे तो वो एकदम से बैलेंस खो रहा था, तो उस वजह से हमें बहुत हंसी आ रही थी। तो यहाँ सब ने बहुत ही मज़े किए, आप देख सकते हैं सभी के चेहरे हंस हंस के पागल हो रहे हैं। तो यहाँ सच में यहाँ बहुत हंसी आ रहा था। बारी है अब दादी की गोद पूजा की, जो हम
तैयारी कर रहे थे तो सबसे पहले मैंने उनका पैर धोया, साड़ी और पैसे चढ़ाए। उसके बाद जो था हमारे जो बुजुर्ग थे बड़े बुजुर्ग उनको हमने कपड़े दान करे। उसके बाद मेरे यहाँ देवर को हल्दी चढ़ाने की रस्म हो रही थी तो वही हम कर रहे थे, बारी बारी सभी लोग कराए। तो यहाँ बच्चों का डांस चालू हो गया है और सबसे पहले बच्चों ने डांस किया, खूब इंजॉय करा। उसके बाद बच्चे बड़े सब ने बहुत सारा डांस किया है, सब ने इंजॉय करा है, मैंने भी करा है बहुत। तो आज का मेरा वीडियो बस इतना ही तक गाइस, क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो चुका है। और भी बहुत सारी क्लिप है जो बहुत कुछ है मुझे आपको दिखानी है, वो इस वीडियो पे तो पॉसिबल नहीं हो सकता। अगली वीडियो पे मैं वो सब कुछ शेयर कर दूँगी, शादी ब्लॉग की जो जो है वो सब कुछ मैं अगली वीडियो पे ऐड करूँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा उसको भी। तो ये पहला पार्ट है जो स्टार्टिंग जो है शादी का, हल्दी से लेके बाकी रस्मों का जो मैंने ऐड किया है, और बाकी का मैं कल ऐड करूँगी। तो आप सभी ज़रूर देखिएगा, ढेर सारा अपना प्यार दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री महाकाल। Yeah, go.